नमस्कार दर्शक बंधु समस्त शुभ सकाल आज 29 अक्टोबर शुक्रवार प्रतिदिन पर आज मुझे आपक आसीचु सका 10 बड़ खबर वीडियो को शेष पर्यंत देखते आज समस्त मुख्य खबर जापारे सहित चैनल को नुआक ओलीवुड न्यूज को सब्सक्राइब कर दिंतु प्रतिदिन खबर सब जानापी नंबर एक आज बढ़ शीत 3 डिग्री खसव तापम्रा राज्य को उत्तर पवन बहुत बेले पाग सुखिला और खराटिया रोक एथ आज राज्य में सर्वनिम्न तापम्रा 2-3 डिग्री सेलसीयस कमिपे यार प्रभाव में थंडा प्रकोप सामान्य बढ़ पूर्वानुमान कर कृषि पापाग विशारद डर सुरेन्द्रनाथ पशुपालक सप्ताहे पर्यंत पाग मुख्यतः सुखिला और खराटिया रोक दक्षिण बंगोपसगर में सृष्टि होता लघुचाप द्वारा तामिलनाडु और केरल में भारी वर्षा हो रहा प्रभाव में अक्टोबर 31 एवं नवेम्बर 1 रे गंजाम गजपति जिले में मेघुआपाग रहा सहित हल्का वर्षा हो पारे। नंबर 2 पुणी बढ़ला तैल दर लगुनी लगाम 2 दिन पर पुणी पड़ा महंगा माड़ लगातार पेट्रोल डीजल दाम बढ़ी चलती गतका 35 पैसा वृद्धि पाई वर्धित दर पर गतका राजधानी भुवनेश्वर पेट्रोल लिटर पिछा 109.25 पैसा पहुंची से डीजल लिटर पिछा 105.84 पैसा बिक्री होती। नंबर 3 कटक आरंभ होला ई टॉयलेट कटक रे प्रथम थर लगे आरंभ होछि ई टॉयलेट व्यवस्था गतकाली कटक महानगर निगम सहयोग रे सुलभ परिमल केन्द्र एवं रिफ्रेशमेंट सेंटर उद्घाटन कर एक संगे कटक रे 2 स्थान स्वयंचालित स्मार्ट टॉयलेट रो सुविधा मिलिबो लोकंकु 1 टंका देर एहि सुविधा जगाई दैछबो सहर को बाहर आसुथवा लोके अनेक समय रे टॉयलेट लागि समस्या रो सम्मुखीन होइथांति एहाकु देखि कटक महानगर निगम पक्षरु सहर 2 स्थान रे प्राथमिक परिचय आरंभ कर परवर्ती समय रे अन्य स्थान रे मध्य एहाकु स्थापन करा जइबो। नंबर 4 जीएसटी क्षतिपूरण देले केन्द्र सरकार ओडिशा भाग में 1779 कोटी केन्द्र सरकार जीएसटी क्षतिपूरण बाबद राज्य और केन्द्र शासित अंचल गुड़ी 44,000 कोटी टंका प्रदान करछंती चलित आर्थिक वर्ष केन्द्र सरकार मोट 1,69,000 कोटी टंका रो क्षतिपूरण प्रदान कर सारे पूर्व 15 जुलाई में 75,000 कोटी और 7 जुलाई में 40,000 कोटी टंका क्षतिपूरण प्रदान कर राज्य और केन्द्र शासित अंचल गुड़ी गतका दीजा 44,000 कोटी मध्य ओडिशा सरकार प्राय 1779 कोटी टकर क्षतिपूरण पाई। नंबर 5 आर्यन खान को शेष में मिलला जमीन दीर्घ दिन आईनगत लड़ई और आरोप प्रत्यारोप पर शेष में गतका जमीन पाई शाहरुख खान को पुओ आर्यन खान बॉम्बे हाइकोर्ट जणिकिया बेंच जमीन प्रदान कर 26 दिन धरी पुलिस हेफाजत रहा जमीन पाई आर्यन सहित बंधु अरबाज मर्चेंट और मनमोहन धमेचा मध्य बॉम्बे हाइकोर्ट जमीन देते जमीन मिलते समस्त अभियुक्त गतका जेल राति काढ़ आज सका हाइकोर्ट राय विस्तृत निर्देशनामा मिलवा पर जेल बाहर बोली जमापड़ी। नंबर 6 पुणी समीर आखिण को घारा गिरफ भय कोर्ट को द्वारस्थ होले एकाधिक अभोगे फसी एनसीबी जोनाल निर्देशक समीर आखिण को पुणी थे गिरफ भय खारी काले मुंबई पुलिस गिरफ करेब से गतका से बॉम्बे हाइकोर्ट द्वारस्थ होते महाराष्ट्र सरकार जेकोसी मुहूर्त में गिरफ्त करपारती समीर गोटे सत्यपाठ जरिया कोर्ट को अवगत कराई। नंबर 7 नुआ रूप से आसला बजाज पल्सर नुआ रूप से मार्केट को आसला स्टाइलिश बाइक बजाज पल्सर 250 लॉन्ग ड्राइव में एकदम खास यह बाइक्र दाम रही 1,38,000 टंका नूतन बजाज पल्सर 250 2 भेरिएंट्रे बिक्री हो गोटे पल्सर N250 और अंटी पल्सर F250 ए बाइक 2 250 सीसी रही बेले बजाज पल्सर N250 दाम हो 1,38,000 टंका और बजाज पल्सर F250 मूल्य हो 1,40,000 टंका उभय प्रोडक्ट संपूर्ण नुआ मॉडल बोली कंपनी पक्षर कहुई। नंबर 8 एनकाउंटर में टोला आतंकवादी दोकानी को जाऊला हत्या जवाब गुड़माड़ में टोला आतंकवादी जम्मू काश्मीर बारामुल्लार जे दोकानी को मार्क को जाऊवा जे आतंकवादी को गुड़ कर हत्या कर भारतीय सुरक्षा बाहन कहुत आतंक किद पूर्व काश्मीर बिहार 2 साधारण नागरिक हत्या करें सामिल था तेज ही आतंकवादी क्यों आतंकवादी संगठन तापर्यंत जमापड़ना। नंबर 9 सम्मुख को आसला आईपीएल 2022 रिटेनसन नियम आईपीएल 2022 होगा मेगा निलाम प्रक्रिया पूर्व नूतन रिटेनसन नियम सामना को आसी खबर अनुसार पुराण 8 मत विषय 4 खेला रिटेन करें यह 3 जन भारतीय और जड़े विदेशी खेला रहीपारे अति आवश्यक पड़े दल 2 जन विदेशी खेला रिटेन करेंगे 2 नूतन टीम पुराणा दल द्वारा रिलीज कर खेला 3 जन को रखिपारे कौन से टीम 2 अधिक अनकैप खेला को सामिल करें। नंबर 10 देखिए शेष खबर 29 दिन धरी राज्यर सबू थाना घेरब बीजेपी ममता मेहर हत्या मामलें संपुक्त गृह राष्ट्रमंत्री दिव्यशंकर मिश्र बरखास्त और गिरफ सहित सीबीआई तदंत दाबी में बीजेपी आज 3 दिन धरी राज्यर समस्त 625 थाना को घेराव कर ममिता हत्यार मुख्य अभियुक्त गोविंद साहू बीजेडी कर्मकर्ता और मुख्यमंत्री सहित संपर्क अच्छी तथा गृहमंत्री सहित घनिष्ठता भी रही तेणु ममिता को न्याय देवा और निरपेक्ष तदंत बीजेपी आज 31 तारीख 3 दिन धरी राज्यर समस्त थाना आगे विक्षोभ कर
ସେହିପରି ବିଜେପିର ତିନି ଜଣିଆ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଟିମ୍ ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ଆସି ଏହି ଘଟଣାରେ ସରଜମିନ୍ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିବେ।